जेसीआई इंडिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जेसीआई के नेशनल प्रेसिडेंट जेसीआई श्री अंशु सराफ जी, उनकी धर्मपत्नी जी, निवर्तमान अध्यक्ष राखी जैन जी, जनरल सेक्रेटरी बैंडेड बेंजू जी, मिथ्यू जी, निदेशक ग्लोबल विकास रावत जी, और देश भर के आए जेसीआई इंटरनेशनल के अंदर देश और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित सभी प्रतिनिधियों का मैं नेशनल कन्वेंशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह आपकी 67वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस संस्था का गठन 1915 के अंदर एक देश के नौजवानों को विकास के अवसर मिले, उनके प्रयासों से एक सकारात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए देश के 115 पूरे विश्व के 115 देशों के अंदर आपका संगठन संचालित है। और जिस देश में भी जेसीआई के प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां इसी तरीके से अपने अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, नौजवानों के विकास और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए लगातार एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए इस संगठन ने एक प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों से, अपने विजन से, अपनी समर्पण से, अपनी सेवा और निष्ठा से प्राप्त की है। मुझे खुशी है कि भारत में भी इस संगठन को 73 वर्ष हो गए, जो एक लंबी यात्रा है। अभी हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा पूरी की है और आपने 73 वर्ष की यात्रा पूरी की है। मुझे आशा है जब आप 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के साथ साथ आप जेसीआई की 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा करेंगे और अपने लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा, संवाद, बातचीत, अनुभव, विचारों को साझा करते हुए जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, उन अनुभव पर मंथन विचार कर नई निष्कर्ष, नई दिशा की ओर अपनी कार्य योजना बनाएंगे और अगले 100 साल के अंदर जो 25 साल आपके बचे हैं, जब शताब्दी वर्ष आपका होगा, उस समय हम किस लक्ष्य की ओर काम करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें, निश्चित रूप से ये आपके लिए चुनौती है। लेकिन आपका संकल्प है, चिंतन है, और इस चिंतन और संकल्प से आप इस 100 साल की यात्रा के अंदर जेसीआई इंटरनेशनल देश के युवाओं के विकास, सकारात्मक परिवर्तन, उनके राष्ट्र निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। जेसीआई के 60,000 से ज्यादा सदस्य पूरे देश में। साथियों, अभी हम भारत में लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के साथ साथ हम G20 का सम्मेलन भी
भारत में आयोजित हो रहा है। और ये G20 का सम्मेलन पूरे विश्व के अंदर एक दिशा देगा, नया दृष्टिकोण देगा और पूरे विश्व के अंदर नए बदलाव की ओर एक दिशा देने का ये G20 का सम्मेलन। आप सब जानते हैं G20 के देशों के जनसंख्या के आधार भी, आर्थिक व्यापार की दृष्टि से भी 75% से ज्यादा G20 देशों के अंदर आर्थिक रूप से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण संगठन है जो निश्चित रूप से वैश्विक चुनौतियों के समाधान का और सारा विश्व एक है इस दिशा की ओर काम करे। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमने वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा विचार है कि सारा विश्व हमारा परिवार है और किसके अंदर, किसी भी एक देश के अंदर कोई चुनौती आती है, आपदा आती है, संकट आता है या आर्थिक सामाजिक ढांचा में बदलाव आता है, उस सारे तंत्र से पूरा वैश्विक प्रभावित होता है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान समय के अंदर दो देशों के विवादों से ही पूरी वैश्विक तंत्र के अंदर, आर्थिक और सामाजिक तंत्र के अंदर परिवर्तन का विषय आप देख रहे होंगे। और इसीलिए हम सबके सामने ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकें, पूरे विश्व को एक दिशा दे सकें। और जैसा कि हमने कहा है कि सबको साथ लेकर हम एक परिवार के रूप में एक आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी सभी देश आर्थिक सामाजिक प्रगति करें और एक दूसरे देशों के अंदर सहयोग की भावना हो, इस दिशा के लिए एक ये G20 निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित हो। इसी के साथ आपका संगठन भी पूरी वैश्विक चुनौतियों पर समाधान का रास्ता ढूंढता है। आप पूरे विश्व के नौजवानों को एक सक्रिय नागरिक बनाने के लिए, ताकि वो वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सके और किस तरीके की चुनौतियां भारत में होगी, विश्व में होगी और उसका स्थायी समाधान क्या होगा, इसके लिए आपका संगठन निश्चित रूप से विचार करेगा, अपने अपने अनुभव को साझा करेगा। अभी अंशु सराफ जी ने कई सारी चीजें बताई कि कोई भी आपदा हो, संकट हो, गांव के विकास की बात हो, नौजवानों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन के लिए किस तरीके से उनके व्यापार इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर उनके नेतृत्व देने का काम हो, गांव के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना हो या आपदा संकट के समय संपूर्ण विश्व के अंदर JCI संगठन ने आपदा संकट के अंदर काम किया है। हम इस वैश्विक परिवर्तन के अंदर भारत के अंदर एक नए दौर की ओर देख रहे हैं। एक लंबी हमारी लोकतंत्र की यात्रा रही और इस लोकतंत्र की लंबी यात्रा के अंदर हमने इस 75 वर्ष के अंदर बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। हम कभी जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था
तो हमारा बजट था 175 करोड़ रुपया। उस समय हमने यात्रा शुरू की और आज हमारा बजट है 40 लाख करोड़। और इसीलिए एक विविधता वाला देश, एक विशालता वाला देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलबाल। दुनिया ने जब देश आजाद हुआ था सोचा था कि इतने बड़े देश में इतनी विशालता, विविधता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, शायद ये देश एक साथ कभी संगठित होकर नहीं रह पाएगा। जब पार्लियामेंट की आप संविधान की डिबेट को देखेंगे, पार्लियामेंट के उस समय की डिबेट का हिस्सा देखेंगे, आपको लगेगा किस तरीके की उस समय चुनौती थी। हमारी साक्षरता दर 20% थी, हमारा हेल्थ का इंडेक्स, हम सब इंडेक्सों के अंदर बहुत दुनिया से बहुत पीछे थे। और ज्यादा बड़ी चुनौती थी हमारे अलग अलग रजवाड़े, अलग अलग राज्य, छोटी छोटी रियासतों। लेकिन हमारे दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप विचार करो किस तरीके से राजाओं ने अपने राज को त्यागा और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। और जब भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी ने अपना त्याग करकर एक लोकतंत्र में विश्वास किया और लोकतंत्र में विश्वास करकर अपने राज्य को भारत के विलय में सहमति दी। और इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास गौरवशाली पूर्ण भी है और हमारा इतिहास हमें कहीं ना कहीं नई दिशा, नई ताकत देने वाला इतिहास भी है। और इसीलिए आप इस लोकतंत्र की यात्रा को आपको समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जब इस लोकतंत्र की यात्रा को आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह बात सही है कि हमसे बाद में या हमसे पहले आजाद हुए देशों में कुछ हमसे आगे बढ़े होंगे, लेकिन हमारी ताकत इतनी है कि इतनी विशालता, इतनी विविधता, इतनी संस्कृति, और दुनिया के सारे धर्म यहां होने के बाद भी हमें अगर किसी ने जोड़ा तो लोकतंत्र ने जोड़ा। हमारी लोकतंत्र शासन पद्धति जो हमारे संविधान में उस समय बनाई, और ये लोकतंत्र हम कहते हैं कि लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारा कार्य का हिस्सा है। ये लोकतंत्र हमें कोई आजादी के बाद का नहीं मिला है। इसलिए इस G20 के अंदर भी हम दुनिया को ये बताने वाले हैं कि भारत सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र की शासन पद्धति पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। आज दुनिया के जितने भी देश चले जाओ, आप जहां लोकतंत्र नहीं होंगे वहां भी आप लोगोंगे कि वहां भी ऐसी शासन पद्धति को दिखाते हैं जैसे वहां पर बड़ा लोकतंत्र हो। मैं कई देशों के अंदर जाता हूं, जब हमारी वर्ल्ड स्पीकर कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं देखता हूं कि दुनिया के अंदर कई एक दल की शासन पद्धति है, कई लोकतंत्र नहीं, पर वो लोकतंत्र की बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ी विवेचना करते हैं, क्योंकि दुनिया ने माना है कि लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने हमारे संविधान के अंदर जनता को बीच में रखकर जनता की सरकार द्वारा संचालित शासन, यह हमारी ताकत है। और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों ने जब महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया था, भारत का संविधान के अंदर समानता, सबको मौलिक अधिकार, सबको न्याय का अधिकार, ऐसा हमारा संविधान है। और ये संविधान की ताकत ही है कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति है, आजादी है, और हम हर कार्य व्यवहार को इस लोकतंत्र के कारण बेहतरीन कर सकते हैं। अब आपकी बड़ी जिम्मेदारी इस विषय पर है,
कि जब हम बदलती परिस्थिति के अंदर हमारे देश के नौजवानों ने दुनिया को ये बता दिया कि हर चुनौतियों का समाधान निकालने की सामर्थ्य और शक्ति है तो भारत के अंदर है, भारत के नौजवानों में है। उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनका चिंतन, उनका नया रिसर्च, नया इनोवेशन, आप देखो कितनी जल्दी 2014 में अपने पर स्टार्टअप गिनती के थे, आज लाखों स्टार्टअप हैं। और लाखों स्टार्टअप में आप दुनिया के अंदर जो कुछ भी नया रिसर्च होता है, नया इनोवेशन होता है, हम उस नए रिसर्च इनोवेशन में हमारी पद्धति, हमारी कार्यशैली से हमने दुनिया को सबसे सस्ता टिकाऊ इनोवेशन करकर दुनिया को दिशा देने का काम किया। अभी कोविड वैक्सीनेशन की जब बात चलती है दुनिया के अंदर, जब अभी चर्चा चल रही है, तो जो वैक्सीनेशन भारत ने बनाया तो लोगों ने कहा कि भारत में हमने दुनिया के अंदर हमेशा मेडिकल रिसर्च के अंदर दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्रों की ओर ही देखा था। कोई भी वैक्सीनेशन हो, कभी भारत ने कोई आजादी के बाद कभी वैक्सीनेशन अपनी ऐसी नहीं बनाई जिसको दुनिया माने, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि उन्होंने वह वैक्सीन बनाई जो दुनिया आज उसकी मान्यता को मान। इसलिए आपके सामने, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा नया युवा नेतृत्व देना चाहते हैं, लीडरशिप देना चाहते हैं। लीडरशिप कोई राजनीति के अंदर ही नेतृत्व नहीं होता है, लीडरशिप हर कार्य में लीडरशिप होती है। नेतृत्व का गुण व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, कंपनी के अंदर हो, या मशीन चलाने में हो, हर चीज में अगर उसकी नेतृत्व क्षमता सामूहिकता के साथ लेकर चलने की होगी, सबके मतों को लेकर चलने की होगी, तो हम बेहतर नेतृत्व देकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और इसीलिए मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि हमें कुछ एजेंडे तय करना चाहिए। हमारे एजेंडे जिन भारत के अंदर जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उन मौजूदा चुनौतियों में एक दो चुनौतियों को निकालने का काम जेसीआई करे। जेसीआई दुनिया को बताए कि भारत के अंदर जेसीआई के नौजवानों ने इस चुनौतियों का समाधान निकालकर लोगों के जीवन के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का काम, क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य शक्ति है, नए सोचने, नए विचार, नए चिंतन की शक्ति है, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी टेक्नोलॉजी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों से हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, क्योंकि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उसकी ऊर्जा, उसका सामर्थ्य और नौजवानों से ज्यादा है। इसलिए हमारा जो भरोसा है कि दुनिया के अंदर हम हर चुनौतियों का समाधान करेंगे हमारे नौजवानों की ताकत के बल पर, और इसीलिए आपके सामने चुनौती है कि आप कैसे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। हम गांव के अंदर आर्थिक तंत्र को में क्या बदलाव ला सकते हैं, हम लोगों के जीवन के सामाजिक जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण इस दिशा की ओर काम करेगा। हमने एक दो एजेंडे पकड़कर ही काम करना शुरू कर दिया तो शायद हम बहुत बड़ा परिवर्तन इस भारत में ला पाएंगे। और मैं, क्योंकि जेसीआई से मैं नजदीक जुड़ा रहता हूं और जेसीआई के लोगों के का जो मैं देखता हूं किस तरीके का उनका समर्पण है, सेवा का भाव है, संस्कार है, अपना धन कमाते हैं, समाज को समर्पित करते हैं और लीडरशिप देने का काम करते हैं, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव है, एक अच्छा दृष्टिकोण है। और इसीलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि हमें इस माहौल की ओर बढ़ना चाहिए, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। और जो आपने कई मुद्दों पर चर्चा की, आपने हमेशा एसडीजी के मुद्दों पर बात की, सतत विकास लक्ष्यों के मुद्दों पर आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में आपने चर्चा की कि कैसे हम एसडीजे के अंदर भारत के मानकों को सबसे ऊपर ला सके।
इस दृष्टिकोण से आपने काम किया। ऐसे कई सारे दृष्टिकोण हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपकी ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और उसके बाद निर्णय, और निर्णय के मंथन से जो अमृत निकलेगा उसी से समाज का कल्याण करने का लक्ष्य आपकी इस कॉन्फ्रेंस से होगा। मुझे आशा है कि आप सामर्थ्यवान सभी नौजवान इस दिशा की ओर काम करेंगे, और 2 दिन की 3 दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस में जो आपके सिद्धांत है नैतिकता के, आदर्श के, और उसके साथ अनुशासनपूर्ण जिंदगी जीते हुए किस तरीके से भारत के नौजवानों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, उस लक्ष्य को आप पूरा कर पाएंगे। आपको इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।